नालागढ़ के दभोटा गांव में आधी रात को एक मकान में आग लग गई। घर में माता पिता के साथ सो रहा 3 वर्षीय बालक आग में जिंदा जल गया। उसके पिता को गंभीर अवस्था में PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है, जबकि मां को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे गांव दभोटा में रमेश कुमार पुत्र प्यारा सिंह के घर में रात को अचानक आग लग गई है, जिस कारण बहुत नुकसान हो गया है। उस नुकसान की भरपाई जो है रमेश कुमार तो एक गरीब परिवार से नहीं कर सकता है, पर जब मौका पर हम पहुंचे, जनता पहुंची, तो उस टाइम जो रमेश कुमार का बेटा है, क्या नाम है, सतनाम सिंह, और उसका बेटा जो है वो तकरीबन 2.5-3 साल का था, जिसकी मौके पर मौत हो गई, और रमेश कुमार भी तुरंत जो है उसको भी PGI जो है ले जाना पड़ा, वो PGI में एडमिट है। सो मैं जनता से और अपने प्रशासन से मैं बेनती करता हूँ कि इस गरीब परिवार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ताकि ये गरीब परिवार का जितना भी सामान है, घर में बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। और जब मौका पर जनता ने भी देखा तो जनता ने भी बड़ा सहयोग दिया, पर मैं प्रशासन से ही गुहार करता हूँ कि इस गरीब परिवार को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे, ताकि ये गरीब जो परिवार है अपना घर जो है चला सके और गुजर बसर कर सके। मेरे को पता लगा कि इनका जो बिजली कनेक्शन था वो बिजली वालों ने काट दिया था, फिर इन्होंने रात को मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती जो जलाई तो लाइट तो चाहिए थी, तो मोमबत्ती जलाने के कारण जो है फ्रिज पर रख दी, तो फ्रिज पर जो मोमबत्ती जलती जलती जो फ्रिज का कवर है उसको आग लग गई, उसके साथ साथ आगे सारी आग लग गई। फिर 1-2 दिन इनको दे देते कि भाई अपना लाइट जो है अपना बिल उतार दो, तो शायद ये हादसा नहीं हो सकता। सरकार से हम तो यही मांग करते हैं कि इन गरीब की जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, ताकि ये गरीब जो है अपना गुजर बसर कर सके। नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग TV।